अगला क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रिलेटिव इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुका हुआ है। ग्राउंड से देखेंगे तो लिफ्ट के साथ ये भी जा रहा ऊपर, लेकिन अगर हम यहां से देखेंगे तो रुका हुआ है। लिफ्ट खुद ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है। कोफिशियंट ऑफ, इफ द फ्रिक्शन कोफिशियंट इज गिवन एज म्यू, बताओ इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा कितना पावर यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। देखिए इसको अगर बनाना है तो ऐसे समझना होगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। तुमको सब कुछ कहाँ से देखना है, ग्राउंड से या लिफ्ट से? लिफ्ट से देखना है, क्योंकि ये जो दिया है ये किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में जो लिफ्ट के अंदर है। तो मान लो हम सब कुछ लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व करते हैं तो फायदा होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक का डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि इस पे फोर्सेस लगेंगे। एक तो इसका वेट लगेगा नीचे, इस वेट का दो पार्ट होता है, एक इधर और एक इधर, ये भी थीटा होता है। तो ये कितना आता है, एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल ऐसे लगेगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बात बताओ कि जो फ्रिक्शन है वो किधर होगा, रोकने के लिए ऐसे ही रहेगा ना ये, नहीं तो एम जी साइन थीटा स्लाइड करके नहीं ले जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? एक बात और बताओ कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम बात करें कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना ऊपर गया है, तो कितना होगा ऊपर, किधर जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किधर जाएगा वो ब्लॉक, जिधर लिफ्ट जा रहा उधर ही जाएगा। किधर जा रहा लिफ्ट? तो मेरे पास दो फोर्स है, एक फोर्स एफ, और मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक फोर्स का डायरेक्शन और एक डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी तो ऊपर ही है ना ब्लॉक का, लिफ्ट के साथ ब्लॉक कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। तो फ्रिक्शन ऐसे लगा, ब्लॉक का वेलोसिटी ऐसे है, ये एंगल कितना है? देखो हम तुमसे कौन सा एंगल पूछ रहे, ये वाला। क्या ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कितना हुआ, थीटा, देखो ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये कितना हुआ। तो फोर्स का और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके बीच में कितना एंगल हुआ। तो अगर हम पावर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट वी, फोर्स डॉट वी, फोर्स डॉट वी को क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस कितना एंगल, तो ये कितना आ रहा है, एफ वी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा बराबर होगा, तभी तो रुका रहेगा लिफ्ट के साथ। तो फ्रिक्शन के जगह क्या हो गया, एम जी साइन थीटा इंटू वी इंटू साइन थीटा। तो कौन सा आंसर आ गया मेरा, एम जी वी साइन, वी मतलब वही वी नॉट है, तो एम जी वी साइन स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया? अच्छा ये फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर क्यों लिखे, म्यू एन के बराबर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन है रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कैसा कंडीशन है ब्लॉक का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है ना, इसीलिए फ्रिक्शन को एम जी साइन थीटा लिख दिया हम। तो फ्रिक्शन को एम जी साइन थीटा लिख दिया, वेलोसिटी वी नॉट था, और फॉर्मूला लगाए एफ डॉट वी, जिसमें कि दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया एफ वी साइन थीटा, फ्रिक्शन के जगह एम जी साइन थीटा, एम जी वी साइन स्क्वायर थीटा, फाइनल आंसर सेकेंड। डन।